Can we start? Factors affecting price of a product. Product cost. Isme Vijay, can you read once? What did we write? Or we didn't write anything? Do you understand the meaning of this floor price? This sets the floor price. What is the meaning exactly? Do you understand? Yes. Yes, but you don't have to like really go in that much detail. Floor price ko aap sirf samjhe, like the minimum price at which you will sell your product. So the cost sets the minimum price at which you will sell your product, right? So that is the floor price. Okay. So at least in the long run, firms would try to cover all their costs. हमने जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा था 11th में कि शॉर्ट रन में अगर सिर्फ डैश कॉस्ट्स भी कवर हो जाए तो इट्स फाइन. विच शॉर्ट रन में? यस, बट लॉन्ग रन में हम चाहेंगे कि सारी कॉस्ट कवर हो. सो क्विकली लिखेंगे भी विषय. जनरली ऑल मार्केटिंग फर्म्स स्ट्राइव to cover all their costs at least in the long run. At least in the long run. और हमने ये भी पढ़ा था कि at the time of introduction of a new product or at the time of entering a new market, the firm may in fact sell the product at a price. Yes, which might not cover all the costs. So in certain circumstances, for example, at the time of introducing a new product, or while entering a new market, the products may be sold at a price which does not cover all the costs. Which does not cover all the costs. Then हमने पढ़ा था, there are three types of costs: fixed, variable, and if you can recall. Semi-variable types of costs: fixed costs, variable costs, semi-variable costs. वैसे तो कॉस्ट अलग अलग टाइप्स की हो सकती है. कुछ हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे हम अकाउंट्स में कहते हैं. तो इट डिपेंड्स हम कैसा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल. डू यू अंडरस्टैंड? फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी और विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और विद द लेवल ऑफ सेल्स. मतलब जितना मर्जी बेचो ये सेम ही रहेंगी. डज नॉट वेरी with the level of activity of a firm. अब activity में मतलब दोनों sale या production. So that is volume of production or sale. Give an example. Rent of a building,
only to the permanent employees or the permanent salaries, राइट। अगर जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स, जो ऐसा होता है ना कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतने ज्यादा वर्कर्स हायर कर लोगे, तो वो तो फिर वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। बट अगर परमानेंट एम्प्लॉयज है और उनकी सैलरी है, सो दैट विल बी, यस, समझ रहे हैं बच्चा? आई एक्चुअली थॉट यू माइट हैव जस्ट रेड दिस वंस, बिकॉज ये हमने लास्ट क्लास में एक बार कवर किया था, जस्ट दिस वन पॉइंट। सो सैलरी ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉयज, दैट यू कैन से, डू नॉट, अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में डू नॉट नहीं, वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो होती है, यस, गिव एग्जाम्पल। राइट, लेबर कॉस्ट, क्योंकि लेबर जब हम बोलते हैं ना, तो वी मीन लाइक दोज कैजुअल वर्कर्स, कि जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा लेबरर्स हायर करोगे, और इवन द रॉ मटेरियल। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, पार, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बिल होता है जो फिक्स्ड आता ही आता है, बट ओवर दैट इट्स वेरिएबल। ओके, देन सेमी वेरिएबल, जो वैसे चेंज होती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बट नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। आई टेल यू द मीनिंग, दोज कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, बट नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन विद इट, बट नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन विद इट। इकोनॉमिक्स में आपको फॉरेक्स और बीओपी भी आ रहा है ना? आई टोल्ड यू द टेस्ट ऑन मंडे, राइट? फॉर, यस, दैट इज टुडे, बट आई विल प्रॉबली स्किप इट, क्योंकि अभी काफी ब्रेक आ गया है, तो मैं आपका ले लूंगी टेस्ट टुमारो, फॉरेक्स एंड बीओपी, राइट? ओके, सो दोज कॉस्ट विद वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वील सी वॉट इट मीन्स। Written? Okay. ओके, तो सेमी वेरिएबल, जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, आई एम रिपीटिंग दैट। मान लीजिए हमारा एक सेल्स पर्सन है, उसको हमने बोला है कि तुम्हें हम फिक्स्ड सैलरी देंगे, लेट्स से 10,000 पर मंथ की, और हम तुमको 5% कमीशन देंगे सेल्स के ऊपर। तो ये किस टाइप की कॉस्ट हो गई बच्चे? बिकॉज इट हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोनेंट एंड ऑल्सो अ वेरिएबल कॉम्पोनेंट। नाउ सपोज, मान लेते हैं मेरी सेल्स है 1 लाख। इफ सेल्स आर 1 लाख, तो बताइए ये तो सेम ही रहेगा, 10,000 पर मंथ प्लस हाउ मच विल बी द कमीशन, तो टोटल उसकी सैलरी हो जाएगी 15,000। और मान लीजिए सेल्स है 2 लाख,
तो बताइए, ये तो फिक्स ही रहेगा 10,000, और उसकी वो कितनी हो जाएंगी कमीशन। तो यहां पर मेरी सेल्स डबल हुई, डू यू अग्री? सेल्स हैव डबल्ड, क्या ये वाली कॉस्ट डबल हुई? नो। तो दैट्स हाउ वी से दे वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इट। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन नाउ? सो आई रिपीट, वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद इट। हियर सेल्स हैव डबल्ड बट दिस कॉस्ट हैज नॉट डबल्ड, तो द प्रोपोर्शन इज नॉट द सेम। डू यू अंडरस्टैंड? यस। तो फर्म्स चाहेंगी कि लॉन्ग रन में उनकी सारी कॉस्ट कवर हो, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, लाइक इन केस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और एंटरिंग अ न्यू मार्केट, द फर्म्स मे सेल द प्रोडक्ट एट अ प्राइस विच मे नॉट कवर ऑल द कॉस्ट। डू यू अंडरस्टैंड? So this was this point. Moving on. The utility and demand. Give the heading. Okay. Now we should व्हेन आई आस्क कि अगर आपको एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है तो आप किन फैक्टर्स को देखोगे, तो आई थिंक वन ऑफ यू सेड, प्रोबेबली यू सेड, कि डिमांड को भी देखेंगे, राइट? कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, वेरी ऑब्वियस पॉइंट, राइट? तो यूटिलिटी, अब यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? जैसे आप 11th में पढ़ते थे माइक्रो में, सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रोडक्ट। नाउ सपोज एक पेन है, पेन से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, अगर मैं आपको बोलूं कि पेन के लिए 1 लाख रुपीज दो, वुड यू वॉन्ट टू पे 1 लाख रुपीज फॉर अ पेन? नो। देखिए, आई यू कैन से नहीं, 1 लाख रुपीज के भी पेन हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, मे बी सम डायमंड स्टडेड पेन्स हु आर यूज्ड बाय सेलिब्रिटीज और यू नो वेरी वेरी रिच पीपल, बट नॉर्मली यू विल नॉट पे रुपीज 1 लाख फॉर अ पेन, बिकॉज यू विल से दैट इज नॉट द यूटिलिटी दैट आई डिराइव फ्रॉम अ पेन, दैट्स नॉट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट आई गेट फ्रॉम अ पेन। बट लेट्स से इन केस ऑफ अ व्हीकल, इन केस ऑफ अ बाइक और अ कार, यू आर विलिंग टू पे लैक्स ऑफ रुपीज, बिकॉज द यूटिलिटी दैट यू गेट फ्रॉम इट इज मच मोर, राइट? सो यूटिलिटी इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट यू डिराइव। तो जितने पैसे आप खर्च कर रहे हो उसके हिसाब से आपको यूटिलिटी अगर मिलती है, तभी यू वुड लाइक टू स्पेंड दैट मच मनी। सो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है उससे कस्टमर्स को कितनी यूटिलिटी मिलती है। इफ आई से आई चार्ज 1 लाख रुपीज फॉर अ पेन, प्रोबेबली दैट्स नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज दैट इज नॉट द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी दैट पीपल गेट फ्रॉम योर प्रोडक्ट। एंड डिमांड, ऑफ कोर्स डिमांड पे भी डिपेंड करता है, जिस चीज की ज्यादा डिमांड है उसका आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, जिस चीज की कम डिमांड है उसका कम प्राइस रखना पड़ेगा, नॉर्मल द लॉ ऑफ डिमांड, राइट? ओके, लेट अस रीड इट हियर। व्हाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट्स, जो अभी हमने प्रीवियस पॉइंट पढ़ा, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज द फ्लोर प्राइस और द मिनिमम प्राइस एट विच यू विल सेल योर प्रोडक्ट। द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड सेट्स द अपर लिमिट ऑफ प्राइस विच द बायर वुड बी प्रिपेयर टू पे। तो देखो, जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की, मान लो ये पेन आपको खुद ही 10 रुपीज का पड़ा है, तो दैट इज द मिनिमम लेवल एट विच यू विल सेल इट, राइट? और फिर आप देखोगे मेरे प्रोडक्ट से लोगों को क्या यूटिलिटी मिलती है, एंड वॉट इज द लेवल ऑफ डिमांड ऑफ माई प्रोडक्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, दैट सेट्स द
लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखो भाई मेरे प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है तो दिस इज द मैक्सिमम प्राइस आई कैन चार्ज। तो समवेयर इन बिटवीन नॉर्मली आई वुड सेट द प्राइस। इस लोअर लिमिट और इस अपर लिमिट के बीच में समवेयर आई वुड सेट द प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यहां तक एक बार ऐसे लिख लोगे अगर तो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न इट। फ्लोर प्राइस या फिर लोअर लिमिट। ठीक है, सो आई विल रीड अगेन। व्हाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट्स सेट द लोअर लिमिट्स ऑफ द प्राइस, द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द बायर सेट्स द अपर लिमिट ऑफ प्राइस व्हिच अ बायर वुड बी प्रिपेयर्ड टू पे। इन फैक्ट द प्राइस मस्ट रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन ही है। दिस लाइन देन, द बायर मे बी रेडी टू पे अप टू द पॉइंट वेयर द यूटिलिटी फ्रॉम द प्रोडक्ट इज एट लीस्ट इक्वल टू द सेक्रीफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ द प्राइस पेड। ओके, इसका क्या मतलब है ना? सपोज यू हैव रुपीज 10 एंड यू वॉन्ट टू बाय समथिंग टू ईट। अब आपके पास लेट्स से दो ऑप्शन है, यू कैन बाय अ समोसा और यू कैन बाय अ whatever, pakora, bread pakora. So, if you go for samosa, then the utility provided by it should be more than the utility provided by bread pakora for which you spend the same money, right? तो आपके पास अगर एक अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट, एंड यू हैव ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप किस ऑप्शन के लिए जाओगे? यू वुड गो फॉर दैट प्रोडक्ट जिससे आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। और इन अदर वर्ड्स, फॉर समोसा यू हैव मेड द सेक्रीफाइस ऑफ, करेक्ट, सो फ्रॉम समोसा यू शुड गेट एटलीस्ट, कम से कम आपको ब्रेड पकौड़ा जितनी यूटिलिटी मिलनी चाहिए, वैसे तो ज्यादा ही मिलनी चाहिए, तभी यू विल गो फॉर समोसा, राइट? तो मतलब द वे दे हैव रिटन द लैंग्वेज, आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू द मीनिंग ऑफ दैट। द बायर मे बी रेडी टू पे अप टू द पॉइंट वेयर द यूटिलिटी फ्रॉम द प्रोडक्ट इज एटलीस्ट, कम से कम आपको इतनी यूटिलिटी मिलती है जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। मतलब आपको समोसा से कम ब्रेड पकौड़ा जितनी यूटिलिटी मिलती है, वैसे तो ज्यादा ही मिलनी चाहिए, बट कम से कम उतनी मिलती है, बिकॉज दैट इज द सेक्रीफाइस विच यू आर मेकिंग फॉर गेटिंग समोसा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो यू विल बाय द प्रोडक्ट जिससे आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, जिसकी यूटिलिटी इज मोर देन द सेक्रीफाइस दैट यू आर मेकिंग। ओके, तो ये लाइन पे मैं थोड़ा स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है। एक्चुअली दिस इज, दीज आर द वर्डिंग्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बट अभी हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज? द बायर may be ready to pay up to the point where the utility from the product is at least, वैसे तो ज्यादा ही मिलनी चाहिए, but at least equal to the sacrifice in terms of the price paid.
तो साथ ही उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को भी एक बार कोट कर दिया बुक में, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर्स यूजुअली परचेज मोर यूनिट्स, कंज्यूमर्स यूजुअली परचेज मोर यूनिट्स एट अ लो प्राइस, मतलब जब सस्ता होता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, जब महंगा होता है तो हम कम खरीदते हैं, लाइक दैट, देन एट अ हाई प्राइस। मैं आपको ये भी बताऊंगी बच्चे कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो डोंट वरी। इज दैट ओके? देन समथिंग इफ यू रिमेंबर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी। मैं आपसे पूछती हूँ, इवन दो मैंने अभी आपको इलास्टिसिटी का मतलब नहीं बताया, बट अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, यू कैन चार्ज, यू हैव टू ऑप्शंस, मोर प्राइस और लेस प्राइस। यस, यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू चार्ज मोर प्राइस और हायर प्राइस, बिकॉज आपको पता है कि मेरे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, दैट इज इवन इफ आई इंक्रीज द प्राइस द डिमांड वुड नॉट फॉल टू मच। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो अ स्टेटस सिंबल, जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स और मर्सिडीज, लाइक जो हाईली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स हैं पहले ही और वो स्टेटस सिंबल है, तो अगर वो थोड़े महंगे भी हो जाएंगे तो भी उनकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीपल बाय दैट फॉर द स्टेटस। तो अगर आपके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू चार्ज हायर प्राइस। डू यू अग्री? ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। यू कैन राइट लाइक दिस, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी कि आपका प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन, यस, द डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक। हम कहेंगे कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है अगर छोटा सा भी चेंज प्राइस में, व्हाट, कैन यू कंप्लीट द सेंटेंस? करेक्ट, दैट्स व्हाई वी से डिमांड इज वेरी इलास्टिक, इट चेंजेस अ लॉट। So, if a relatively small change in price results in large change in the quantity demanded, ठीक है, एंड द लास्ट सेंटेंस जो मैंने आपको भी बताया था, अगर आपको लगता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है, तो आप यू कैन चार्ज व्हाट? इफ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, द फर्म इज इन अ बेटर पोजिशन
fix higher prices. यहां तक लिखे. Do you understand, Richard? Okay. आप मुझे एक बताना, मैंने आपसे पहले भी पूछा होगा क्वेश्चन, बट लेट मी आस्क अगेन. यू हैव टू आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफी. कैन रिकॉल द फिलॉसफीज that was production concept, product concept, selling, marketing, and societal marketing. So, Amar is engaged in the manufacturing of refrigerators. He surveyed the market and found that customers need a refrigerator with a separate provision of water cooler in it. He decided and launched the same refrigerator in the market. Identify and explain the marketing philosophy. Good. तो यहाँ पे हम वही वाला लिखेंगे, identify a need and fill it. You should assess the needs and preferences of the customers and take care of the satisfaction level and by providing the same product that they actually need. Correct. So marketing concept. Okay. कमिंग बैक, सो आई एम स्विचिंग बिटवीन टॉपिक सो दैट आपको पूरा चैप्टर याद आए. अब नेक्स्ट पॉइंट, मुझे अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है. आई विल ऑल्सो लुक एट द लेवल ऑफ. गुड. एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. So, अभी जैसे हमने पढ़ा था, डैश सेट्स द लोअर लिमिट. टेल मी व्हाट. लोअर लिमिट ऑफ प्राइस, ठीक है. एंड व्हाट सेट्स द अपर लिमिट. यूटिलिटी एंड डिमांड. यू विल सेट द प्राइस समवेयर इन बिटवीन. एंड वेयर विल यू सेट द प्राइस समवेयर इन बिटवीन. By looking at the level of competition, level, nature, and degree of competition. Okay, let us read from the book once. Between the lower limit and the upper limit, where would the price settle down? This is affected by the nature and degree of competition. The price will tend to reach the upper limit. Aap zyada price set karoge agar competition kam hai. और आप कम प्राइस सेट करना चाहोगे अगर कंपटीशन. करेक्ट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग. द प्राइस विल टेंड टू रीच द अपर लिमिट. मतलब आप ज्यादा प्राइस सेट करना चाहोगे इन केस there is lesser degree of competition. On the other hand, while under conditions of free competition matlab a lot of competition, bahut zyada कंपेटिटर्स हैं आपके, द प्राइस विल टेंड टू बी सेट एट द लोअर लेवल. वैसे इसकी भी एक्सेप्शन है. आप कहोगे नहीं कॉम्पिटिशन ज्यादा है, बट आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ माई प्रोडक्ट दैट आई विल स्टिल सेट हाई प्राइस. ऐसा हो सकता है. तो यस, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट दिस इज द जनरल रूल. To
be set at the lower level. अच्छा, अब आप याद करोगे एक बार 11th में एक ऐसी मार्केट होती थी जहां पे फ्यू बिग सेलर्स होते थे। ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली में फ्यू बिग सेलर्स है, मतलब ज्यादा सेलर्स नहीं है बट जो है उनका साइज बहुत बड़ा है। तो उसमें हम एक और बात करते थे कि मैं प्राइस जब सेट करूंगी आई विल ऑल्सो कंसिडर हाउ दे विल रिएक्ट टू इट। सपोज लेट्स टॉक अबाउट द टेलीकॉम मार्केट, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, फ्यू बिग सेलर्स जैसे जो मेजर हैं। तो इसमें अब अगर वोडाफोन अपना प्राइस ज्यादा करे तो वो सोचेगा पहले, व्हाट इफ बाकी लोगों ने अपना प्राइस ज्यादा नहीं किया और मैंने कर दिया तो आई विल लूज कस्टमर्स। ऑल्सो अगर वोडाफोन सोच रहा है मैं अपना प्राइस कम कर दूं, व्हाट इफ दोज फर्म्स बट दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं कम किया मैंने कम कर दिया तो लोग मेरे पास आएंगे। बट थिंक अगेन, इफ आई रिड्यूस द प्राइस एंड दे reduce it even further, right? Then again they will win because customers will go to them. और ये एक dirty game शुरू हो जाएगी। मैंने price की कम किया, उन्होंने कम किया, फिर मैंने कम किया, उन्होंने कम किया। You will come to a point जब आपके profits बहुत कम हो जाएंगे, yes? क्योंकि मार्केट में मतलब everyone is reducing the price. So what I'm trying to say is like in oligopoly market you have studied कि आप अपना प्राइस कम ज्यादा करने से पहले you also think about how your competitors are going to react to it. Yes? So this is what we are going to write now. Not just उनका प्राइस नहीं सिर्फ हम स्टडी करते, उनका एंटिसिपेटेड रिएक्शन भी हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो कंपेटिटर्स प्राइसेस एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शंस, हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर fixing the price of a product. और पिछले लास्ट में उन्होंने एक लाइन लिख दी कि आप सिर्फ कंपेटिटर्स का प्राइस नहीं देखते, उनकी क्वालिटी भी देखते हो, उनके फीचर्स भी देखते हो, भाई वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, दैट ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट। Not only the price, but the quality and the features of the competitive products must be examined carefully. Before fixing the price. Is that okay for you? Right. Then, next thing which I have to consider is government and legal regulations. Like, जैसे मैंने बोला कि हमारी एक mixed economy है and
देर आर सर्टन थिंग्स जो गवर्नमेंट बताती है. वैसे तो हर चीज में प्रोड्यूसर्स ही डिसाइड करते हैं प्राइस, बट कई बार गवर्नमेंट की भी कुछ रेगुलेशंस हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ कैंसर ट्रीटिंग मेडिसिन, मान लो कोई मेडिसिन है विच इज गिवन टू अ कैंसर पेशेंट. अब अगर इसमें गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन ना लगाए तो कंपनीज विल टेक एडवांटेज ऑफ योर इमोशंस. क्योंकि अगर आपके लव्ड वन को, गॉड फॉरबिड, कुछ ऐसी डिजीज हो गई है, तो आप उसके लिए, उस मेडिसिन के लिए कितना भी प्राइस देने को रेडी होंगे, राइट, टू सेव योर लव्ड वन. तो इस केस में तो एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है लोगों की, उनके इमोशंस की. दिस इज एक्सप्लॉयटेशन. तो ऐसे केस में गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड सेट सम रेगुलेशंस, लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ मेडिसिन द कंपनीज के नॉट चार्ज बियॉन्ड दिस पॉइंट. डू यू अग्री? यस. तो हमें अब देखना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इफ गवर्नमेंट हैज सेट एनी रेगुलेशन, देन वी हैव टू कंसिडर दैट एज वेल बिफोर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट. सो In order to protect the interest of public against unfair practices in all the field of price fixing, government can intervene and regulate the price of commodities. Government can declare a product as essential product and regulate its price. For example, the cost of a drug, which is a medicine, manufactured by a company having monopoly in the production of the same comes to rupees 20 per strip of 10. मतलब ये उनकी कॉस्ट है अगर, एंड द बायर इज प्रिपेयर टू पे एनी अमाउंट फॉर इट, से रुपीज 200. इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंपेटिटर द सेलर मे बी टेम्प्टेड टू एक्सट्रॉक्ट द मैक्सिमम, एक्सटॉर्ट द मैक्सिमम अमाउंट. अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन बना रहे हो जिसमें आपकी मोनोपली है, आपको कॉस्ट उसकी सिर्फ 20 रुपीज पड़ रही है, बट यू वॉन्ट टू सेल इट एट एनी प्राइस, क्योंकि बायर भी देने को तैयार है आपको कोई भी प्राइस, क्योंकि उसको जान बचानी है अपने 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 लव्ड वंस की, तो वो कितना भी प्राइस देने को तैयार है. तो इस केस में सेलर में भी टेम्प्टेड कि मैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एक्सटॉर्ट करूं. रुपीज 200 फॉर द ड्रग एंड इंटरवीन I'll repeat, to extort the maximum amount of rupees 200 for the drug and intervene to regulate the price. Usually, in such a case, government does not allow the firms to charge such a high price and intervene to regulate the price of the drug. This can be done by government by declaring the drug as essential commodity and regulating its price. Correct. अगर government बोल दे ये एक essential commodity है, आप इसका प्राइस इतने से ज्यादा सेट नहीं कर सकते, तो यू विल हैव टू फॉलो दैट. तो आपको देखना है अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसी कोई रेगुलेशन है तो आपको उसको भी मानना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? इजी वर्ड्स में लिखेंगे, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर practices in the field of price fixing. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो आगे आ सकती है, प्राइस को रेगुलेट कर सकती है. गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड रेगुलेट द प्राइस of commodities.
For example, in case of a drug, a bio drug, matlab you understand, medicine. A bio may be prepared to pay any amount. And the seller may be tempted. और सेलर कैसा है कि कंपटीशन भी नहीं है सपोज इन द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन सेलर मे बी टेम्प्टेड टू एक्सटॉर्ट द मैक्सिमम अमाउंट Government may intervene and regulate the price of the drug. Do you understand, Vishnu? Second last point, pricing objectives. ठीक है, देखो विषय जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो ये सारी बातें एक तरफ है बट आपका खुद का क्या ऑब्जेक्टिव है दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे मोबाइल फोन्स की इतने सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में और हर किसी का प्राइस भी कितना अलग अलग होता है यस अब मोबाइल फोन्स के केस में अगर बात करें तो हु डू यू थिंक इज द मार्केट लीडर इन द सेंस किसका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है अब इसके कई सारे एग्जाम मतलब आंसर्स हो सकते हैं आपको क्या लगता है बट आई विल ऑल्सो चेक द एग्जैक्ट आंसर इंडिया में सबसे ज्यादा फोन किस ब्रांड का सेल होता है जस्ट यू कैन से ज्यादा कौन सा सेल होता है एप्पल इंडिया में इतना ज्यादा सेल नहीं होता क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव एंड द ओवरऑल अगर इंडिया में सोचें तो एप्पल नहीं हो सकता इट्स सैमसंग में भी यस सैमसंग और दिस शाओमी शाओमी और सैमसंग राइट सो इनका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू बिकम द मार्केट शेयर लीडर मतलब हमको ना ये चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो इस केस में जो प्राइस है वो हम कैसा रखें इफ आई वॉन्ट टू बिकम द मार्केट शेयर लीडर आई विल हैव टू सेट माई प्राइस लाइक हाउ हाई और लो A little lower. अगर आप चाहते हो कि आपके आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो मार्केट में तो आप अपना प्राइस बहुत हाई लेवल पे नहीं रख सकते A little lower level रखना ही पड़ेगा डू यू अग्री तो जैसे हमने बोला सैमसंग और शाओमी का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा है मोबाइल फोन्स की सेल में इंडिया में तो सपोज इनका ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर लीडर बनना तो इनको अपना प्राइस थोड़ा लोअर लेवल पे सेट करना होगा अब सैमसंग भी उसके भी फोन्स पीछे बहुत लो लेवल प्राइस से शुरू हो जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव तक भी जाते हैं
राइट। अब इमेजिन अ ब्रांड ऑफ फोन्स जो बस खत्म होने वाला है, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल, जो ज्यादा नहीं चलता, नोकिया और HTC तो बंद ही हो गया आई थिंक, एंड ब्लैकबेरी भी बंद हो गया था, यस इंडिया में। राइट। और ब्लैकबेरी की सेल्स भी अच्छी थी वैसे, ऐसी बात नहीं है कि वो उनकी सेल्स अच्छी नहीं थी, राइट। तो ब्लैकबेरी का एग्जाम्पल हम साइड कर सकते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट नोकिया और HTC। तो इनका ये हो, मतलब दे केम टू अ लेवल जब उनको सरवाइव करना मुश्किल हो गया था, मतलब किसी तरह बस बच जाएं, दिस इज व्हाट वी वांट। अगर आपका ऐसा ऑब्जेक्टिव है तो यू विल हैव टू सेट व्हाट सॉर्ट ऑफ प्राइस। अगर बस आप सरवाइव करना चाहते हो किसी तरह, हाँ, और कम प्राइस रखना पड़ेगा, मे बी कुछ डिस्काउंट्स भी देने पड़े, डिस्काउंटिंग कैंपेन स्टार्ट करने पड़े इफ यू वांट टू जस्ट सरवाइव इन द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करें क्वालिटी लीडर, मोबाइल फोन्स में क्वालिटी लीडर किसे माना जाता है? यस। तो आप जैसे आईफोन है, उसका प्राइस वो ज्यादा सेट कर रहे हैं बिकॉज दे से वी डोंट वांट टू बी द मार्केट शेयर लीडर। हमको ये नहीं है कि हमें अपने फोन ज्यादा से ज्यादा सेल करने हैं, बट वी वांट टू बी द क्वालिटी लीडर एंड वी इन्वेस्ट अ लॉट इन डैश R&D, दैट इज करेक्ट। जैसे आईफोन वॉज लाइक द फर्स्ट मेजर स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड, जब जब स्मार्टफोन्स का कॉन्सेप्ट ही इससे आया, तो उन्होंने बहुत स्पेंड किया होगा ऑन देयर, और वो उसी की एक तरह से अभी तक कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं कि हम इतना, हमने R&D पहले भी बहुत किया और अभी भी हम हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, एंड देन ऑल द कंपनीज दे स्टार्ट कॉपिंग अस और फॉलो अस। वी आर द क्वालिटी लीडर, तो इफ यू वॉन्ट टू बी द क्वालिटी लीडर इन द मार्केट, यू मे सेट द प्राइस अ लिटिल। यस, दिस इज वॉट। तो हमारी बुक में तीन तरह के ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो सबका ऑब्जेक्टिव होता ही है, बट अदर देन दैट, क्या आप मार्केट शेयर लीडर बनना चाहते हैं? क्या आप जस्ट सर्वाइव करना चाहते हैं इन अ कंपेटिटिव मार्केट बिकॉज आपकी जो सेल्स हैं बहुत कम हो गई हैं, और यू वांट टू बिकम द क्वालिटी लीडर? इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कैसा प्राइस सेट करोगे। डू यू अग्री? राइट बच्चे, तो इसी से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास, तो यहीं पे हम स्टॉप कर रहे। यहां तक विषय रिवाइज करके आना, पूरा मार्केटिंग जितना भी अभी तक किया रिवाइज करके आना, राइट। चलिए।